आज हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास क्वेश्चन सेट का क्लासवर्क के इलस्ट्रेशन नंबर फाइव से क्वेश्चन है डिस्क ऑफ रेडियस आर इज कट फ्रॉम अ यूनिफॉर्म थिन शीट ऑफ मेटल तो यहाँ पे बोला गया है एक लेट से यहाँ पे आगे क्वेश्चन में गिवन है कि अ सर्कल सर्कुलर होल ऑफ रेडियस आर बाई टू इज नाउ आउट फ्रॉम द डिस्क with the hole being tangent to the rim of the disc find distance of center of mass from the center of the original disc so let's say center of original disc yahan pe tha 0,0 pe original disc ka center pada hoga अब यहाँ पे बोला गया है कि एक दूसरी डिस्क काटी गई जिसका जो rim है rim मतलब circumference, वो इसके tangent हो और उस सर्कल का रेडियस जो है वो आर वाई टू हो जाएगा तो यहाँ पे जो सर्कुलर होल कट हुआ है जिसका रेडियस जो है आर वाई टू मतलब डायमीटर आर डायमीटर आर और सर्कम को टच करने का मतलब वो इस सेंटर को भी टच करेगा तो अपना जो डिस्क कट किया गया है लेट से उस डिस्क के बारे में हम कुछ ऐसे बोल सकते हैं जिसका एक सरफेस सेंटर को टच कर रहा है और एक सरफेस कहा जा रहा है लेट से आपका रिम को टच कर रहा है सरकम को टच कर रहा है और रेडियस आर बाई टू है मतलब हम कह सकते हैं इसका अगर रेडियस आर बाई टू है तो इसका सेंटर होगा एट एक्सेक्सेस आर बाई टू कौ जीरो पे अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द सेंटर ऑफ ओरिजिनल डिस्क ओरिजिनल डिस्क से इसका सेंटर हमसे पूछा जा रहा है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ओरिजिनल डिस्क से इसका सेंटर में निकालना है तो हम देख सकते हैं जो रिमेनिंग डिस्क होगा वो आपका अब ये डिस्क बचा होगा ये आपका रिमेनिंग डिस्क रहा कट होने के बाद इतना डिस्क का अब पूछा गया सेंटर ऑफ मास क्या कहाँ पे होगा ये हम बात करना चाहते हैं तो हम बोल सकते हैं इसको हम क्या कर सकते हैं कि पहले तो हम निकालते हैं कि बड़ा वाला जो डिस्क है उसका सेंटर ऑफ मास लेट्स से कितने पे था ज़ीरो जीरो पे था हम कह सकते हैं बड़े वाला डिस्क जो था उसका पूरा सेंटर लेट्स ज़ीरो 0.0 जीरो पे था बड़े वाले ओरिजिनल डिस्क का हमने लेट्स से मास मान लिया कैपिटल एम करके अब हम पता करें कि ये जो कट डिस्क है इसका मास कितना होगा तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि आपका जो डिस्क काटा जा रहा है उसका मास निकालने के लिए हम क्योंकि जो भी मास होगा वो इसके एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो यहाँ पे बोला जा सकता है पाई पाईआर स्क्वायर में मास डिस्ट्रीब्यूटेड था एम ये वाला मास है ना इस रेडियस आर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था तो एक मीटर स्क्वायर में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है एम बाई पाई आर स्क्वायर क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है यूनिफॉर्म थिन शीट से काटा गया तो मास डेंसिटी यूनिफॉर्म है डेट इज सिग्मा कह सकते हैं तो ये जो डिस्क कट हुआ है उस डिस्क का रेडियस आर बाई टू है तो उसका एरिया लिखा जा सकता है पाई आर बाई टू का स्क्वायर ये बन जाएगा एम बाई पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर बाई टू का स्क्वायर बनेगा हमारा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर ये मास आया एम बाई फोर जो हमने कट किया है मास वो कट वाले का मास है एम बाई फोर और वो m बाई फोर से मास जो लाई कर रहा है वो r बाई टू डिस्टेंस पे लाई कर रहा है और जो m मास लाई कर रहा था वो हमारा इसके लेट से सेंटर जीरो जीरो पे लाई कर रहा था तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो रिमेनिंग डिस्क का सेंटर ऑफ मास होगा उसके लिए हम बोलेंगे रिमेनिंग डिस्क क्या होगा ओरिजिनल डिस्क माइनस कट डिस्क जो ओरिजिनल डिस्क बिना काटे हुए डिस्क माइनस कट डिस्क कर दोगे तो ये बचे हुए का सेंटर ऑफ मास आ जाएगा तो हम बोल सकते हैं रिमेनिंग डिस्क का और यहाँ हम बाई सिमेट्री कह सकते हैं कि इसका जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होगा क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस इसकी सिमेट्री बनी हुई है तो सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस पे लाई करेगा और जिस साइड में हैवी मास होता है उसी साइड में सेंटर ऑफ मास शिफ्टेड होगा तो अबाउट वाई एक्सिस हम देख सकते हैं लेफ्ट साइड में मास आपका बढ़ गया है तो सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस में चल जाएगा विथ कोऑर्डिनेट हम बोल सकते हैं माइनस एक्स सी एम कॉमा जीरो। ये तो हमें दिख गया कि सेंटर ऑफ़ मास लाई करेगा x एक्सिस में, तो और ये आपका शिफ्ट हो जाएगा इन द लेट्स से माइनस x एक्सिस तो हम बस इसके x-कोऑर्डिनेट पे फोकस करते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x सेंटर ऑफ़ मास m ओरिजिनल इनटू x ओरिजिनल माइनस m कट इनटू x कट डिवाइडेड बाय m ओरिजिनल कट फॉर्मूला होता था M1, X1, M2, X2, M1, M2. यहां बस प्लस की जगह माइनस लगा देना है अब ओरिजिनल डिस्क की बात की जाए कट करने से पहले उसका मास हमने एम बोला हुआ है और उसका एक्स कोऑर्डिनेट देखा जाए वो है जीरो माइनस कट वाले डिस्क का जो हम बात करें उसका कट का डिस्क का मास जितना काटा गया है लेट से वो एम बाई फोर है और उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमने सेंटर ऑफ मास पे कोऑर्डिनेट लोकेटेड होगा पूरा एम बाई फोर मास आर बाई टू उसके रेडियस है ना जो डिस्टेंस है उसके सेंटर पे कहा जा सकता है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डिस्क का मास माइनस कट डिस्क का मास डेट इज एम माइनस एम बाई फोर चलिए अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं

आर वाई 6, 0 पे 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 हो गया तो इसका चलिए इसको जाए। क्या था था एक बड़ा डिस्क है पे, से, एक बड़ा बड़ा है रहा अब इस बड़े डिस्क का मान लिए जिस पे, जिसका सेंटर जीरो कॉमा जीरो पे है वह में पूछा गया है कि उससे दूसरा डिस्क काटा गया कट किया लेट से उसका मास हमने निकाला पाई आर स्क्वायर में एम मास एक मीटर स्क्वायर में एम बाई पाई आर स्क्वायर जिसे हम सिग्मा कह दिए तो ये जो काटा गया उसका रेडियस आर बाई टू है तो उसका एरिया हो जाएगा पाई आर बाई टू स्क्वायर उसमें हो जाएगा एम बाई पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर बाई फोर करके एम बाई फोर मास काटा गया मास है अब वो एम बाई मास इसके आर बाई रेडियस मतलब ये कोऑर्डिनेट आर बाई पे लाई करेगा इसके सेंटर पे क्योंकि यहां बोला गया जो कट किया है वो जो पोर्शन है वो आपका टच कर रहा है से एट द रिम और ऑब्वियसली आर वाइट है रेडियस तो डायमीटर आर हो जाएगा तो टैंजेंट रिम पे है डायमीटर आर है मतलब सेंटर से पास करेगा तो यहाँ पे कुछ इस तरह से काटा गया है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो बचे हुए का सेंटर ऑफ मास होगा वो ओरिजिनल माइनस कट करके कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एम ओरिजिनल माइनस एम कट एक्स यहां पे डिवाइडेड बाई एम माइनस एम बाई फोर सिंपलीफाई किया यहाँ आया माइनस एम आर बाई एट नीचे थ्री एम बाई फोर या आंसर आ गया माइनस आर बाय सिक्स हम कह सकते हैं यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास होगा वो

एम टू आर टू वेक्टर प्लस लिख सकते हैं एम थ्री आर थ्री वेक्टर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या लाएगा एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री अब यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे एम वन हो गया मास वन के जी का इसका पोजिशन वेक्टर क्वेश्चन में ये रहा वन आई वन इन टू इसका पोजिशन वेक्टर दिया है फोर आई फिर टू जे फिर माइनस ऑफ थ्री के उसी तरह से एम टू की बात करें m2 मास हमें क्वेश्चन में गिवन है 2 kg का उसका पोजीशन वेक्टर ये रहा तो 2 kg इसका पोजीशन वेक्टर a कैप माइनस 4 जी कैप प्लस 2 k कैप एंड सिमिलर मैनर में जो m3 मास है 3 kg का उसका पोजीशन वेक्टर दिया रहा तो 3 kg यहां पे 2 i 2 j k कैप डिवाइडेड बाय पूरे सिस्टम का मास की बात करें तो इन सबको ऐड कर दीजिए वन के जी टू के जी थ्री के जी तो ये बन गया फोर आई प्लस टू आई सिक्स आई सिक्स आई प्लस सिक्स आई बन गया हमारे पास ट्वेल्व आई उसी तरह से यहाँ पे जे में आते हैं टू जे माइनस एट जे माइनस सिक्स जे माइनस सिक्स जे माइनस सिक्स जे माइनस ट्वेल्व जे एंड लास्ट आते हैं के वे तो माइनस थ्री के प्लस फोर के वन के वन के प्लस थ्री के बन गया फोर के और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में देखें तो सिक्स आया तो ये बन गया हमारा टू आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस मतलब कैप तो बोला गया है फाइंड पोजीशन वेक्टर तो ये रहा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर ये हमारा आंसर रहा चलिए क्वेश्चन समझते हैं क्वेश्चन में था आपका ए तीन मासस है वन के जी टू के जी थ्री के जी इनके पोजिशन वैक्टर ये दिए हुए हैं क्वेश्चन पूछा है सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर में बताना है पोजीशन वेक्टर कितना होगा तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू प्लस एम थ्री आर थ्री नीचे आएगा एम वन प्लस अब m1 दिया वन के जी आर वन ये रहा पुट किया जाए तो 1 इन इसको रख दिया 4i 2j टू जे के सिमिलर वे में टू के जी के साथ इस आर को रख दिया जाए आई माइनस जे प्लस

तो सिचुएशन कैसी है चलिए देखा जाए सिचुएशन कुछ इस तरह से है सपोज ये आपका ना ये लेट से आपका एक रिंग है और इस रिंग के बारे में बोला गया है कि ये क्वार्टर रिंग है क्वार्टर रिंग का मतलब हम कह सकते हैं कि ये आपका एक एक्स एक्सिस हुआ एंड सिमिलर वे में ये हमारी वाई एक्सिस हुई उसी तरह से ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस और जो अब रिंग की बात हो रही है वो रिंग यहाँ पे बोली गई है क्वार्टर रिंग है रेडियस आर की प्लेस्ड इन फर्स्ट क्वार यहाँ पे पूरी रिंग नहीं लेनी है बस क्वार्टर रिंग लेनी है तो क्वार्टर रिंग का मतलब हो जाएगा अपने पास लेट्स से कुछ इस तरह से बस इतना जो पोर्शन है रिंग का वो यूज होना है तो ये वाला रिंग यहाँ पे बात हो रहा है क्वार्टर रिंग यहां से यहां तक का रिंग हो गया तो इतना ही रिंग है अब इसी रिंग का हमें बात करना है लेट्स से क्वार्टर रिंग जिसका रेडियस कितना क्वेश्चन क्वेश्चन में, question में रेडियस करके, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और जिसका इस क्वार्टर रिंग का जो सेंटर होगा ऑब्वियसली सर्कल का सेंटर ही रहेगा ओरिजिन पे गिवन है अब हम यहाँ पे मान सकते हैं चाहे तो इसका मास एम मान लिया जाए या आप एम बाय फोर मान लो हुँ? एम मान लो पूरे रिंग का मास एम मानते इसका मास एम बाई फोर मान लो वो भी चलेगा या इसका मास एम मान लो वो भी चलेगा दोनों में कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पे करना क्या है एलिमेंटल अप्रोच से काम करना है तो यहाँ पे हम मान लेते हैं इस पूरे का मास लेट से एम मान लेते हैं इस पूरे लेट से क्वार्टर रिंग का मास हमने एम मान लिया जिसका रेडियस है आर ये चीज समझना है क्वार्टर रिंग का मास हमने m माना है ये जो क्वार्टर रिंग है इस क्वार्टर रिंग का मास है m तो पूरी रिंग अगर होती तो m m m m किया जाता तो 4m करके आता अब इसका रेडियस r है और क्योंकि यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं कि आप फॉर्मूला लगाया एम वन आर वन वाला तो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से यहाँ पे सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम अप्रोच यूज करेंगे एलिमेंटल 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 अप्रोच तो एक स्ट्रिप स्ट्रिप लिया जाएगा और उस का सेंटर ऑफ मास लिखना स्टार्ट करेंगे चलिए तो यहाँ पे हम क्या करते हैं यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंटल स्ट्रिप लेते हैं लेट से एक यहाँ पे एक एलिमेंटल स्ट्रिप ली गई अब वो एलिमेंटल स्ट्रिप लेट से हम कहते हैं

ये रही एलिमेंटर स्ट्रिप। अब इस एलिमेंटर स्ट्रिप की हम बात करें तो ये एलिमेंटर स्ट्रिप का हम लेंथ बोल दिए डी एल करके हो गया और इसका जो एलिमेंटर स्ट्रिप का मास हो गया वो हो गया सपोज हमारा डी एम करके अब हम बोल सकते हैं इस एलिमेंटर स्ट्रिप का डिस्टेंस सेंटर से आर रहेगा तो यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा यहाँ पे इसका कितना होगा तो ये जिसके साथ एंगल बनाएगा तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका आर का थीटा और ये डिस्टेंस हो जाएगा अपने पास लेट्स से आर का साइन थीटा करके तो यहाँ पे अगर इस पॉइंट पी की बात करें इसका कोऑर्डिनेट पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा तो पी का कोऑर्डिनेट लिखा जाता है एक्स कोऑर्डिनेट तो आ गया हमारा आर कॉस थीटा और वाई कोऑर्डिनेट निकल के आ गया आर साइन थीटा तो यहाँ पे इसका पोजीशन वेक्टर भी आ गया निकल के अब यहाँ पे क्या करते हैं यहाँ पे हम लेट से इसका सबसे पहले इस डीएम वैल्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे जो भी मास है रिंग है हॉलो है तो पूरा मास इसके सरकमफ्रेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहाँ पे कहा जा सकता है पाई है ना टू पाई आर टोटल सरकमफ्रेंस होता है उसका वन फोर्थ क्वार्टर रिंग है उसमें एम मास है तो यहाँ पे कह सकते हैं एक लेट से मीटर में हमारा टू एम डिवाइडेड बाय पाई आर मास हो जाएगा तो डीएल लेंथ में डीएल लेंथ में मास हो जाएगा टू एम बाई पाई आर इंटू लेट्स से डीएल और डीएल की बात करूं तो डीएल होता है हम बोल सकते हैं जो एलिमेंटल लेट्स स्ट्रिप लिए हैं उसका लेंथ है डीएल और रेडियस है आर तो एल इज इक्वल टू आर थीटा दैट इज थीटा जो एलिमेंटल जो श्... लेंथ ने एंगल बना रखा है सेंटर पे वो डी थीटा एंगल थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस तो यहाँ से डी की वैल्यू हमारी बन के आ गई आर इन टू थीटा तो यहाँ पे डी एल की जगह आर इन टू थीटा रख दिया जाए तो ये पूरा का पूरा थीटा में आ गया तो टू एम बाई पाई आर

लेट्स स्मॉल आर से तो टू एम बाई स्मॉल आर इन टू आर इन टू डी थीटा इस आर से आर कैंसल हुआ तो यहाँ पे वैल्यू निकल के आ गई और एक पाई बचेगा डिनोमिनेटर में तो टू एम डिवाइडेड बाई पाई इंटू डी थीटा ये तो आ गया एलिमेंटल मास डी एम की वैल्यू अब हम यहाँ से कह सकते हैं ये जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट होगा

और सिमिलर वे में आर वाई का लिख दिया अब निकालने जाता हूं तो के लिए लिख सकता हूं इंटीग्रेशन इनटू इसका डीएम इनटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है आर थीटा ये हो गया इसका एलिमेंटल मास का मूवमेंट ऑफ मास डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डीएम एंड उसी तरह से जब मैं आर वाई निकालता तो आर वाई भी सेम तरीके से होता है इंटीग्रेशन डी एम इंटू इस एलिमेंटरशिप का वाई कोऑर्डिनेट दैट इज आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में लिखा जाता इंटीग्रेशन बन के आता DM करके और यहाँ पे हमने DM की वैल्यू थीटा के टर्म में निकाल के रखी है यहाँ पे तो इसको पुट किया जाए सब्स्टिट्यूट किया जाए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं dm की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा ये रही दैट इज ये बनी हुई है 2m डिवाइडेड बाय पाई d थीटा और फिर यहाँ पे r cos थीटा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं into r cos थीटा उसी तरह से डिवाइडेड बाय नीचे भी पड़ा हुआ है 2m पाई यहाँ पे कहा जा सकता है d थीटा एंड सिमिलर वे में यहाँ पे भी हम कर सकते हैं वही काम dm की जगह हमने रख दिया 2m डिवाइडेड बाय पाई इंटू आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा तो यहाँ पे 2m एम पाई इंटू डी थीटा लिखते हैं अब यहाँ पे आर साइन थीटा है तो यहाँ आर साइन थीटा आएगा इंटू बन जाएगा डी थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में बन के आएगा हमारा 2m एम पाई इंटू डी थीटा करके चलिए अब इसे सिंप्लीफाई करना है अपने को तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे अपना बन जाएगा टू एम यूनिफॉर्म है ना तो ये कांस्टेंट रहेगा कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आएगा और रिंग का रेडियस आर भी कांस्टेंट है वो भी बाहर आया इन टू थीटा डी थीटा और डिनोमिनेटर में भी हम बोल सकते हैं टू एम बाई पाई कॉन्स्टेंट है, है बाहर आया इंटीग्रेशन बन गया डी थीटा सिमिलर वे में यहाँ पे भी कहा जाए तो टू एम आर बाई पाई कॉन्स्टेंट है बाहर आया इंटीग्रेशन में बन गया हमारा साइन थीटा इंटू डी थीटा और डिवाइडेड बाई नीचे भी वही रहेगा 2m एम बाई पाई होने की वजह से बाहर आ गया इंटीग्रेशन के बचा d थीटा तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कैलकुलेशन में 2m से 2m कैंसिल पाई से पाई कैंसिल उसी तरह से यहाँ पे भी 2m 2m कैंसिल कर गया पाई पाई कैंसिल कर गया तो यहाँ बचेगा r कॉस का इंटीग्रेशन हो जाता है हमारा साइन और नीचे भी डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है थीटा उसी तरह से यहाँ पे बोलते हैं यहाँ पे बनेगा आर कॉस का इंटीग्रेशन होता साइन का इंटीग्रेशन यहाँ पे बोलते तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा और नीचे बन के आता है डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा अब जब लिमिट की बात करेंगे क्योंकि क्वार्टर रिंग है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्वार्टर रिंग है तो थीटा एकदम जब ये एलिमेंट लिया जाएगा उस टाइम पे जो एंगल होगा लोअर लिमिट ज़ीरो हो जाएगी और एकदम लेते लेते जब एकदम ये वाला एंगल लेने गए तो वो हम देख सकते हैं ये एलिमेंटर शिप 90 डिग्री एंगल बनाएगी तो लोअर लिमिट हो गया ज़ीरो और अपर लिमिट देखा जाए यहाँ पे क्वार्टरिंग के लिए 90 डिग्री तो यहाँ पे हम लिमिट में रख सकते हैं लिमिट में थीटा जो एंगल होगा वो एंगल हो जाएगा हमारा ज़ीरो से लेके कर डिग्री फाइव बाई टू तो यहाँ पे एंगल की लिमिट चलेगी क्योंकि तो थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो यहाँ पे जीरो से फाइव बाई टू और ये भी बना हुआ है हमारा जीरो से फाइव बाई टू तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये बना है जीरो से फाइव बाई टू और उसी तरह से ये भी बना हुआ है जीरो से फाइव बाई टू एंड सिमिलर वे ये भी है जीरो से फाइव बाई टू और ये भी पड़ा हुआ है मेरे पास जीरो से फाई बाई टू यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं साइन पहले अपर लिमिट रखते हैं फाइव बाई टू फिर लोअर लिमिट रखते हैं साइन जीरो डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है पाई माइनस तो ये बन गया टू आर डिवाइडेड बाई पाई नीचे का आर, पाई बाई टू ऊपर गया पाई नीचे और साइन नाइनटी जानते हैं वन और साइन जीरो जीरो तो ये आया निकल के टू आर बाई पाई ये तो हो गया एक्स कोऑर्डिनेट और उसी तरह से यहाँ पे काम करे तो आर इन टू माइनस निकाल लिए पहले अपर लिमिट रख देते हैं पाई बाई टू फिर लोअर लिमिट रख देते हैं कॉस जीरो

यहाँ पे ओरिजिन अगर जीरो जीरो है उसका सेंटर इस पे पेलाई कर रहा है तो उसका लेट्स से सेंटर ऑफ मास आ जाए उसका सेंटर ऑफ मास आया अपने पास निकल के टू आर बाई पाई कॉम आ कहा जा सकता है टू आर बाई पाई ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट एंड सिमिलर वे में वाई कोऑर्डिनेट तो इसका पोजिशन वेक्टर हम बोले अगर तो ये आएगा एक्स कोऑर्डिनेट हो गया टू आर बाई पाई तो आई कैप हो गया और वाई कोऑर्डिनेट सिमिलर वे में टू आर बाई पाई का निकल के आया जे कैप ये रहा अपना सेंटर ऑफ मास का लेट से पोजीशन वेक्टर चलिए क्वेश्चन समझा जाए क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन कुछ इस तरह से था अपना लेट से एक क्वार्टर रिंग बनी हुई है ये रही क्वार्टर रिंग यहाँ से लेके यहाँ तक इसका मास हमने m मान लिया और हमसे पूछा गया है इसका सेंटर ऑफ मास बताइए तो हम यहां एलिमेंटल यहां पे अप्रोच यूज करेंगे कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण तो हम बात करें कि अब इस एलिमेंटल अप्रोच में सबसे पहले उस एलिमेंटल स्ट्रिप का अगर बात करें तो एक लेट से यहाँ पे दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो सेंटर से तो ये वो एलिमेंटल स्ट्रिप रही जिसका लेंथ डीएल कह दिया और उसका मास डीएम कह दिया तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि एक मीटर में कितना मास होगा तो क्वार्टर रिंग है तो पूरा सरकमफ्रेंस टू पाई आर होता पर यहाँ वन फोर्थ है तो टू पाई आर फोर में एम मास है तो एक में हो गया टू एम पाई आर तो यहाँ पे DL लेंथ में कितना मास होगा तो DL लेंथ में लिखा जा सकता है 2m एम बाई पाई आर इन करके अब यहाँ पे हम कह सकते हैं DL की वैल्यू कितनी होगी तो लेंथ हम जानते हैं L इक्वल टू आर थीटा तो r इन टू डी थीटा दिया जाए DL की वैल्यू r डी थीटा यहाँ पे अब सिंप्लीफाई करते हैं इसे तो सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं ये हमारे पास बन के आया कि यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है क्वेश्चन में इसका स्मॉल आर तो स्मॉल r आर कैंसिल हुआ ये आया इस डीएम की वैल्यू टू एम बाई पाई डी थीटा अब इस सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट होगा कुछ वाई कोऑर्डिनेट होगा अब यहाँ पे बात की जाए कि जो एलिमेंटल स्ट्रिप है है वो आर अगर ये है, थीटा बना रही है तो जिसके साथ बनाएगी वो आर थीटा तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया इसका आरकोस थीटा और सिमिलर वे में ये अगर थीटा है आर है तो ये डिस्टेंस आया आर साइन थीटा तो इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट हो गया आर थीटा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट आर साइन थीटा ये रहा पी का कोऑर्डिनेट अब यहाँ पे डीएम पता है एक्स कॉर्डिनेट वाई एलिमेंटल का तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं डीएम इंटू यहाँ पे इंटीग्रेशन करके करते हैं डीएम की वैल्यू सब्सिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे थीटा नीचे भी डीएम की जगह टू एम बाई फाइव डी थीटा और उसी तरह से यहाँ पे y कोऑर्डिनेट के लिए इसके y कोऑर्डिनेट एलिमेंटल वाई के मल्टीप्लाई करेंगे dm into r sin theta by dm, अब dm कर 2m by pi d theta, r अब बाहर निकाले ऊपर r बचा कॉस्टा d थीटा लिमिट यहाँ बात करें तो यहाँ एलिमेंटल जो हम स्ट्रिप लेने की बात करें तो एकदम छोटा जो हम ये लेते हैं स्टार्टिंग में वो होता है जीरो

आर बचेगा का इंटीग्रेशन माइनस लिमिट जीरो से एक्स कोऑर्डिनेट टू आर बाई फाइव तो वाई कोर्डिनेट टू आर बाई फाइव तो मास का पोजिशन वेक्टर आया टू आर बाई फाइव आई कैप और टू आर बाई फाइव जी कैप ये अपना इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आइए गेस समझ आया यहाँ तक स्क्रीनशॉट लिया जाए क्वेश्चन नंबर एट आते हैं फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर प्लेस्ड सिमेट्रिक टू द वाई एक्सिस ऑफ अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अगर ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस करके गिवन है तो ये रही अपनी लेट्स से सेमी सर्कुलर रिंग यहाँ पे यह हमारी सेमी सर्कुलर रिंग है बस आधी ही रिंग लेनी है यहाँ पे जिसका रेडियस दिया हुआ है आर सिमेट्रिक टू द दाइ एक्सिस ऑफ कार्टिशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम तो यहाँ पे बोला गया है कि यह सिमेट्रिकली प्लेस की गई है वाई एक्सिस के अबाउट लेट्स तो यहाँ कह सकते हैं जीरो कॉमा जीरो इसका सेंटर हो जाएगा अब यहाँ पे इसका रेडियस अगर आर है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है जैसे अभी पिछले वाला क्वेश्चन किया था क्वार्टर रिंग सेम तरीका रहेगा तो वही स्टेप वही स्टेप प्रोसेस फिर से किया जाए तो यहाँ पे क्या करते हैं एक थीटा एंगल पे बस लिमिट चेंज कर देंगे डी थीटा एक लेट से एलिमेंटर स्ट्रिप लिया जाएगा जिसका लेंथ लिखा जा सकता है डी एल तो ये वो एलिमेंटल स्ट्रिप हमारी बनी हुई है लेट से अब इस एलिमेंटल स्ट्रिप की डी एल लेंथ की बात करें तो यहाँ से लिखा जा सकता है डी एल की वैल्यू हमारी बन के आ जाएगी लेट से इसका रेडियस आर है तो आर इंटू डी थीटा अब क्योंकि सेमी सर्कुलर रिंग है हम इसका मास मान लेते हैं कैपिटल एम करके तो यहाँ बोल सकते हैं टू पाई आर बाई टू दैट इज पाई आर में एम मास है तो एक मीटर में लेट से एम बाई पाई आर मास हो जाएगा तो यहाँ से कह है सकते हैं हम यहाँ पे कि dl मीटर में कितना मास हो जाएगा तो dl मीटर में मास क्या लगेगा एम बाई पाई आर इन टू करके जिसको हम डी एम कह सकते हैं उस छोटे से स्ट्रिप का मास करके डीएम अब वो डीएम लेट से पी पोजीशन पे है अब ये डीएल की वैल्यू हम यहाँ पे सब कुछ थीटा के टर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बना हुआ है, एम बाई पाई इंटू रेडियस गिवन है स्मॉल आर उस सेमी सर्कुलर रिंग का और डीएल की वैल्यू रख देते हैं आर इन टू डी थीटा तो यहाँ से हमारा डीएम की वैल्यू निकल के आई एम बाई लेट से पाई इंटू डी थीटा ये आ गया उस एलिमेंटल स्ट्रिप का मास डीएम करके अब यहाँ पे कह सकते हैं इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बात करें तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम देख सकते हैं जिसके साथ एंगल बनाएगा वो लेंथ हो जाएगा अपना आर कॉस थीटा और जिसके साथ नहीं बनाएगा ये जो लेंथ है ये कहलाएगा आर का साइन थीटा तो हम बोल सकते हैं इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो हो गया आर कॉस थीटा और वाई कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास आर साइन थीटा तो यहाँ पे अब इंटीग्रेट ये सब सिस्टम करते हैं तो इस सेंटर ऑफ मास की अगर बात करने जाए तो सेंटर ऑफ मास का कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा और यहाँ पे कहा जा सकता है कुछ वाई कोऑर्डिनेट होगा अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं सिंपली बाय सिमेट्री सिमेट्री से देख सकते हैं वाई एक्सिस अगर इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर कहला रही है और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो देखो सेंटर ऑफ मास हमने पढ़ा हुआ है कि उस एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे अलाई करेगा

यहाँ पे y कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो y कोऑर्डिनेट सेम वे में होगा इंटीग्रेशन dm सेलिमेंटल शेप का हम बात करें मोमेंट ऑफ मास लिखते हुए dm into y डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dm अब dm की वैल्यू हमने निकाली है थीटा के टर्म में as m π d थीटा y की वैल्यू बात की जाए तो y हम बोल सकते हैं इसका y कोऑर्डिनेट है अपना r sin थीटा डिवाइडेड बाय

अब यहाँ पे जब लिमिट की बात हो रही है तो लिमिट में हम देख सकते हैं जब हमने लि जो अपना एलिमेंटल स्ट्रिप लेना शुरू किया उसमें सबसे जो छोटा एलिमेंटल हमने जो स्ट्रिप लिया यहाँ पे देख सकते हैं ये सबसे छोटा जो एलिमेंटल स्ट्रिप लिया होगा उसका एंगल जीरो है और लास्ट में लेते लेते पाई हो गया तो यहाँ पे एलिमेंटल स्ट्रिप लेते वक्त लिमिट हम कह सकते हैं जीरो से लेके पाई तो यहाँ पे बस लिमिट चेंज हुई बाकी सब वही रहा तो तो पे से से पाई बन गया, तो यहां से कह सकते हैं उसका y आया निकल के m से, m से पाई से पाई पाई में बना r का इंटीग्रेशन आ गया माइनस कॉस थीटा लिमिट है जीरो से पाई डिनोमिनेटर में डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा लिमिट है जीरो से पाई माइनस बाहर आया आर यहाँ पे कॉस ऑफ लिखा जा सकता है पाई Cos of by, उसी तरह से डिनोमिनेटर में पाई माइनस जीरो पाई तो ये बन गया हमारे पास टू आर बाई लेट से लिखा जा सकता है पाई करके तो हम बोल सकते हैं सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो और वाई कोऑर्डिनेट आया हमारे पास 2r/π तो हम बोल सकते हैं सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट हो गया 0, ये लिखा जा सकता है 2r/π ये अपना आंसर आया चलिए इसको देखते हैं जल्दी तो यहाँ पे कह सकते हैं कि आपने एक सेमी सर्कुलर रिंग ली थी उस सेमी सर्कुलर रिंग का हम बस करने को क्या वाले हैं वही स्टेप एक एलिमेंटल स्ट्रिप लेंगे ऑफ लेंथ dl उसका मास dm कैलकुलेट करते हैं तो पूरा m मास इसके

न्यूमरेटर में साइन थीटा डी थीटा नीचे बना डी थीटा लिमिट देखी जाए जीरो से लेते लेते यहाँ तक लास्ट लिमिट आएगा पाई तक नीचे भी जीरो से पाई डी थीटा अब इंटीग्रेशन करते हैं साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा लिमिट जीरो से पाई और डिनोमिनेटर में थीटा लिमिट जीरो से पाई पहले अपर लिमिट रखते हैं माइनस बार निकालते हैं तो माइनस आर कॉस पाई माइनस कॉस जीरो नीचे पाई माइनस जीरो कॉस पाई माइनस वन कॉस जीरो वन तो माइनस 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 टू और माइनस बार पड़ा है तो टू आर बाई फाइव आंसर आया मास का पोर्सन वेक्टर जीरो कॉम आया टू आर बाई ये हमारा आंसर